और इसी बीच चंदौली से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। चंदौली से बड़ी खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की फसल में आग लग गई है। चंदौली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप पकड़ लिया और आग लगने से 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें वहीं की हैं जहां थोड़ी ही देर में गेहूं की फसल राख में तब्दील हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर है, के न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की फसल में आग लगी और 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तस्वीरें आपको ले रहे हैं, ले रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता चंदौली से अजित पाठक जुड़ चुके हैं। अजित, पूरा मामला क्या था? संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की बात बताई जा रही है। मैम, आपको हम बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगी, जिसके कारण से 20 बीघा फसल जलकर राख हो गया। वहीं आपको बता दें कि बबरी थाना क्षेत्र के नौगराहा गांव का पूरा मामला बताया गया, जिसके कारण से संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगने से सारा फसल जलकर राख हो गया। कुछ मौजूदा लोगों ने किसान मौके पर फायर ब्रिगेड को फोन किए और फायर ब्रिगेड आधे घंटे बाद पहुंची, जिसके जब पहुंचते फिर उसके बाद ही कुछ देर बाद फसल जलकर राख हो गई। और कुछ राहत का विषय यह है कि किसानों को मुआवजे के लिए मांग की, किसान मुआवजे के लिए मांग की है और मौके पर नेपाल पहुंचकर किसानों का मतलब लिखा पढ़ी कर रहे हैं और मुआवजे देने का मांग किए हैं। जी अजय जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और खबर आपको बता रहे हैं चंदौली से, जहां देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप पकड़ा। और खबर आपको बता रहे हैं